इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हेपरिन मॉलिक्यूल। अब हेपरिन में ना सबसे पहले मैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पहले मैं फिजियोलॉजी की बात करूं कि फिजियोलॉजिक स्टेट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक क्लॉट बना हुआ है जिसमें एक फैक्टर ने थ्रोम्बिन के साथ क्लॉट बनाया हुआ है, थ्रोम्बिन क्लॉट बना हुआ है। अब इसको हमने एंटीथ्रोम्बिन जो है, एंटीथ्रोम्बिन 3 ये जो है इस क्लॉट को ना इसको डिसॉल्व करता है कि इस क्लॉट ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, उसने ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया, रिपेयर हो गया टिश्यू। तो इस एंटीथ्रोम्बिन 3 आता है और ये ना इसको डिसॉल्व करता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एंटी क्लॉटिंग एक्टिविटी आती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत स्लो होता है, इतना स्लो कि हमारे पास इनफ टाइम मिल जाए उसके रिपेयर करने के लिए ब्लड वेसल को और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। तो हमें, अगर हमारे पास एक पैथोलॉजिक स्टेट है कि हमारे पास एक्सेसिव क्लॉटिंग हो रही है और एक्सेसिव क्लॉट बन रहे हैं, तो हमारे पास तो हमारे चांसेस हैं कि थ्रोम्बस बनेगा और उसके बाद एम्बोलस बनेगा और वो जाके रोक देगा हमारे पास ब्लड सप्लाई को कहीं भी। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम बाहर से हेपरिन मॉलिक्यूल देते हैं। हेपरिन मॉलिक्यूल जो है वो इस एक्टिविटी को ना, एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है। एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी कि वो जल्दी जल्दी इस क्लॉट को तोड़ेगा। तो मतलब सिर्फ ये मैकेनिज्म है कि ये जो रिएक्शन है ना ये स्पीड अप हो जाता है, इस रिएक्शन के स्पीड अप करने में हेपरिन का रोल है। तो एज ए रिजल्ट क्लॉट डिसॉल्व होगा और हमारे पास जो है एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आएगा और क्लॉट जो है वो फिर रिस्क फैक्टर से मिनिमाइज कर देगा हमारे पास। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज, हेपरिन इज इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज, इट कैन बाइंड बाय अ यूनिक पेंटासाइक्लिक सीक्वेंस। हेपरिन के मॉलिक्यूल के ऊपर इट इज देयर इज अ पेंटासाइक्लिक सीक्वेंस विथ पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन इन एंटीथ्रोम्बिन 3। हेपरिन नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर पेंटासाइक्लिक सीक्वेंस है और पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन हमारे पास इधर एंटीथ्रोम्बिन 3 में है। एंटीथ्रोम्बिन 3 में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन है, ये दोनों बाइंड करते हैं लाइसिन के साथ, आके हेपरिन बाइंड करेगा और फिर अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा। इट ब्रिंग्स कन्फर्मेशनल चेंज इन एंटीथ्रोम्बिन 3। एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 इंक्रीजेस 1000 फोल्ड, 1000 times वो एक्टिविटी को इंक्रीज करवा रहा है, इतना वो स्पीड अप करवा रहा है रिएक्शन को कि जल्दी से क्लॉट डिसॉल्व हो। तो दिस इनएक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब इधर ये फैक्टर 10A की हमने यहाँ पे बात की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टर और भी हो सकते हैं, 2A, 9A, 10A, 11, 12, 13A। आफ्टर कन्फर्मेशनल चेंज हेपरिन मॉलिक्यूल इज सेट फ्री। जब इसने ये डिसॉल्व करवा दिया, कन्फर्मेशनल चेंज करवा दी एंटीथ्रोम्बिन 3 को, उसने कहा कि तुम जल्दी अपना एक्शन परफॉर्म करो, तो वो वहाँ से उस जो सिचुएशन है वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो अगले मॉलिक्यूल को जाके पकड़ता है, अगले एंटीथ्रोम्बिन 3 को जाके पकड़ेगा कि तुम भी अपना काम करो, वहाँ से फारिग होगा फिर अगले को जाके पकड़ेगा। तो इस तरह ये अपना मॉलिक्यूल एक्शन परफॉर्म करता रहता है। नॉर्मल बाइंडिंग इज स्लो एंड हेपरिन स्पीड्स अप बाइंडिंग ऑफ 83 टू दिस कॉम्प्लेक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स और बात करते हैं, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT, हेपरिन है, GIT से एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि चार्ज होता है इसके ऊपर और लार्ज मॉलिक्यूल है, गिवन IV और सबक्यूटेनियस और एरोसोल, नॉट IM नहीं दे सकते हम। इमीजिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, अब IM तो एक डिपो इफेक्ट होता है, IM तो देते नहीं है, IV होता है तो इमीजिएट इफेक्ट आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड टू प्लाज्मा वॉल्यूम, अभी जो हेपरिन का मॉलिक्यूल है ना ये प्लाज्मा वॉल्यूम में फिरता रहता है, इसकी जो टिश्यूज पे डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बहुत कम है, तो इससे हम इसकी एडवर्स टॉक्सिक प्रोफाइल का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं क्लिनिकल इंडिकेशंस की बात करूं कि हम हेपरिन को कब यूज़ करते हैं, दैट इज प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांस है कि, डीप वेन क्या है, मतलब कुछ ऐसी वेन्स जो डीपर प्रेजेंट है इन द टिश्यूज हमारे पास, मतलब इन बिटवीन द मसल्स प्रेजेंट है या कहीं भी प्रेजेंट है, डीप वेन्स की बात हो रही है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम उसकी सर्जरी करें और फिर उसको ओपन करके उसकी ट्रीटमेंट करें, सर्जरी इज द एंड गोल हमारे पास, वो मतलब बिल्कुल एंड पे यूज होता है। तो हम चाहेंगे कि हेपरिन का मॉलिक्यूल एडमिनिस्टर करें और वो डीप वेन जो है सर्जरी के बगैर उसमें जो क्लॉट बना है वो डिसॉल्व हो जाए, जो थ्रोम्बोसिस बनी हुई है वो डिसॉल्व हो जाए या एम्बोलिज्म वगैरह डिसॉल्व हो जाए। तो मोस्टली हम थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के लिए हम ये हेपरिन मॉलिक्यूल यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूट वेन इज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, सेम एक्यूट फेज ऑफ MI, हम चाहते हैं कि हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज करें और
उसमें कोई थ्रोम्बोसिस का इफेक्ट ना आए तो हम उसमें भी यूज करते हैं हेपरिन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म के केस में उसको डिसॉल्व कर जाके। म्यूरल थ्रोम्बोसिस आफ्टर MI, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अभी बात की कि हम सर्जरी को प्रेफर नहीं करते बिल्कुल भी। प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व, जब हम पेशेंट में प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व लगाए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि कोई क्लॉट फॉर्मेशन ना हो उसमें, तो हम हेपरिन उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ताकि जो है क्लॉट फॉर्मेशन ना हो और वो हार्ट वॉल्व जो है वो सेटल इन हो जाए।